आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 8। और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आप लोग विजिट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा बाकी क्वेश्चन सब। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए आप लोग देख लीजिए। कहता है एक एपी में 50 पद है, यहीं पर रुक जाएंगे। एक एपी में कितने पद है? 50 पद है। ध्यान रखिएगा कि एक एपी में कितने पद है? 50 पद। जैसे ये पहला पद A1, ये हो जाता है दूसरा का पद A2, है कि नहीं, हो जाता है तीसरा का पद A3। इस तरीके से जाते जाते कितने पद? तो 50 पद, यानी A50वां पद। इस तरीके से कितने पद है एक एपी में? 50 पद है। जैसे A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे कर करके टोटल कितने पद तक है? 50 पद तक। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे तनका बढ़ते हैं। चलिए, 50 पद है। अब भैया जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद क्या भैया? 12। ये तीसरा का पद A3 है ना, ये जो पद है तीसरा पद वो कितना है? 12 है। तीसरा पद क्या है? 12 है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। देख लीजिए, अंतिम पद 106 है। तो देखिए A1 A2 A3 करके जाएगा तो अंतिम पद क्या नजर आएगा? अरे 50वें पद ना अंतिम पद है, मतलब अंतिम पद 50वां पद, यानी 50वां पद हमारे पास कितना हो गया भैया? कितना दे रखा है? 106 है ना अंतिम पद, ना कहता है बच्चा से कन्फ्यूज है अंतिम पद 106, वो ले ढूंढते रहता है कि के नहीं हम करे। अरे भैया अंतिम पद यानी लास्ट वाला पद 50वां पद ना है, तो 50वां पद हो गया 106। गौर से देखिए अंतिम है ना, तो इसीलिए अंतिम पद 106। अब आगे पढ़ते हैं, रे इसका 29वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? 29वां पद, मतलब A29 बराबर वाट। अच्छा, इसको थोड़ा सही से लिख ले। सही से लिखने का मतलब ये हुआ कि हमें दे रखा है तीसरा पद दे रखा है, चलिए हम तीसरा पद लिख लेते हैं कि A3 बराबर दे रखा है कितना, यानी तीसरा पद दे रखा है 12, मैंने लिख दिया। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अंतिम 29 पद ज्ञात का अंतिमा पद यानी 50वां पद दे रखा है कितना? 50वां पद दे रखा है भैया देख लीजिए 106। तो हम लिखेंगे 106। 29वां पद आपको क्या करना है भैया? ज्ञात करना है कि नहीं? आपको क्या करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। लो वाट, बाकी इस तरीके से मैंने अच्छे से सजा दिया। ओके, जो जो दिया था, जो जो ज्ञात करना था वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तीसरा पद है कि नहीं, आई 50वां पद, 29वां पद आपको ज्ञात करना है। समझ में आई बात? अच्छा, आपसे हम पूछेंगे रे भैया A3 है यानी तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहिएगा कि भैया ये जो होता है A होता है आप प्लस लगा दीजिए। हाँ देखिए, तीसरा पद का फॉर्मूला ये 3 है ना, तो एक पॉइंट घटाइए तो 2 हो जाएगा, इसमें D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तीसरा पद का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब बराबर में रख दीजिए 12। हम तो पहले आपको सिखाए हैं जितना का उसे एक पॉइंट घटाना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे वाले पद में 50वां पद का ना फॉर्मूला निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिए, A लिखिए, 50वां पद का फॉर्मूला देख लीजिए, A लिखिए आप प्लस 50 है ना, आप एक घटा दीजिए तो 49 हो जाएगा, इसमें D से गुना कर दीजिए, लो भैया आई हो जाएगा 106। क्लियर? अच्छा, इसमें अगर इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले तो कोई पहाड़ नंडा टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ई समीकरण 1 हुआ और ई समीकरण 2 हुआ। अब हम करते हैं क्या, समीकरण भैया समीकरण 1 तथा आ समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 से मैंने लिख दिया, लिख दिया कि नहीं? तो समीकरण 1 क्या कहता है? वो कहता है कि ये प्लस में 2 दिया बराबर 12 है, यही ना कहता कि हम 12 है इतना बराबर। आ ये दूसरा कहता है कि ए आ प्लस में 49D आ बराबर 106 कहता है। ये समीकरण 1 है आ ये समीकरण 2 है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे किस विधि से? विलोपन विधि से, जिसे हम लुप्तीकरण विधि कहते हैं। लुप्तीकरण मतलब किसी एक मान को लुप्त कर दो, गायब कर दो। हम यहाँ किसी एक मान को गायब कर देंगे तो देखिए A और A बराबर है, इसी को हम गायब कर देते हैं। समीकरण सब तो सिखाबे किए हैं, ये सब तो चुटकी बजाओगे सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम लिख देते हैं घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे
तो जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का, तो प्लस का तो माइनस, यो प्लस का तो यो माइनस, आई आगे प्लस छिपा रहता है ना तो वो माइनस हो जाएगा। अब चलिए एगो माइनस का एगो प्लस का तो ये चेला से चेला न कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और 2d या 49d इसमें देखिए 2d में से 49d घट रहा है, संभव है? नहीं संभव तो कोई दिक्कत नहीं। 49 में से 2 डी यानी 49 डी या 2 डी है, तो 49 डी में से 2 डी घटा देंगे तो कितना होगा भैया 47 डी हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब ये मैटर करता है कि चिन्ह किसका पड़ेगा, तो जो जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका चिन्ह लगा दीजिए, तो 49 ज़्यादा है ना, आ इसका चिन्ह है माइनस का तो इसका लगा दीजिए, हाँ लगा दिए। अब बराबर में लिख दीजिए 12 में से माइनस 106, मतलब 12 में से 106 घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 106 में से 12 को घटा देंगे, है कि नहीं? और घटाने के बाद जितना आएगा उतना लिख देंगे, तो 94 आएगा तो लिख देते हैं 94। और देखिए ये दोनों में संख्या कौन डबल है, 106 का चिन्ह क्या है, तो माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 49 गुना काटिए तो 7 × 14 4 × 9 तो 49 × 94 ना होगा, तो डी की वैल्यू कितना आ गई भैया 2। चलिए डी की वैल्यू तो आ गई, हमने डी की वैल्यू निकाल ली। अगर यही डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो एक का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो चलिए डी का मान समीकरण हम किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है वो है डी का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा, तो 1 हमारे पास ये ना है तो ए आप प्लस में 2d है तो 2 आप बीच में भूत प्रेत की तरह गुना छिपा रहता है तो गुना, और डी की वैल्यू 2 तो 2 लगा देंगे। अब बराबर में क्या है रे भैया 12, तो लिख देंगे 12। और जरा सोचिए ए आप प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, बराबर में 12 है कि नहीं, तो मैंने 12 लिखा। अच्छा ए की वैल्यू ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, 12 तो 12 रे प्लस का 4 है, पक्षांतर करेंगे यानी बराबर से खींच के इधर लाएंगे, माइनस का 4 होगा, तो ए की वैल्यू कितना आ गई भैया 12 में से 4 गया तो 8, तो भैया ए की वैल्यू 8 आ गई या डी की वैल्यू 2 आ गई। अब चुटकी में निकलेगा 29वां पद, अरे कैसे निकलेगा, आप चाहे तो इसको मिटा सकते, देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अब हम 29वां पद ना निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 29वां पद ए 29 ऐसे करके निकाल देना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और डायरेक्ट 29वां पद निकालते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। अच्छा अच्छा अब देख लीजिए 29वां पद यानी ए 29 बराबर वाट, यही ना निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 29 पद के फॉर्मूला क्या होगा आप बताइए, 29वां पद का फॉर्मूला आपको पता है, अरे यही ना होगा ए अब प्लस में 29 है ना, 1 पॉइंट घटाओ 28 होगा, तो ये 28 और डी लगा दो, अब बराबर में क्या होगा कुछ नहीं, इसको हम सोल्वे कर रहे हैं वही ना निकाल रहे हैं, तो हम गला बराबर में रखेंगे। चलिए अब ए की वैल्यू कितना है 8, तो हम लिख देंगे भैया 8 अब प्लस 28 तो 28 और गुने, अरे डी की वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो 2 लिखेंगे। और चलिए इसको मिटा देते हैं, अब सोल्व कर लेते हैं आराम से। चलिए अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, 8 आप प्लस में 28 गुना कितना होगा 56, आ 56 8 को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 64, तो 64 हमारे पास आंसर आ गया। तो डांटने कहिएगा 29वां पद कितना निकल के आया 64, यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तब तक के लिए बाय, ओके।